गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुनील सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे आवेश उत्पन्न करने की विधि, या जिसे कहते हैं हम आवेशन। यानी आवेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश उत्पन्न करने की विधि। तो देखो, आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती है? तो आवेश उत्पन्न करने की तीन विधियां होती है। आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? तीन विधियां होती हैं। नंबर एक विधि होती है घर्षण विधि। नंबर एक होती है घर्षण विधि। दूसरी होती है विद्युत प्रेरण विधि। दूसरी होती है विद्युत प्रेरण विधि। थर्ड होती है चालन विधि। थर्ड होती है चालन विधि। यानी नंबर एक होती है घर्षण विधि, दूसरी विद्युत प्रेरण विधि तथा तीसरी होती है चालन विधि। हाँ देखो, नंबर एक डिस्कस करते हैं हम घर्षण विधि के बारे में कि घर्षण विधि क्या होती है। देखो घर्षण, घर्षण क्या होता है? प्रगटना। घर्षण का मतलब क्या होता है? प्रगटना। और हम रगड़ते कितनी वस्तुओं को? दो वस्तुओं को। यानी हम जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घर्षण। और देखो, जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनका क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे हम घर्षण विधि कहते हैं। यानी घर्षण विधि है, उसकी डेफिनेशन कैसे है? होती है भाई कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे हम घर्षण विधि कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, आवेश कैसा उत्पन्न होता है? समान परिमाण का उत्पन्न होता है। समान परिमाण का। और कैसा उत्पन्न होता है? विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होता है। विपरीत प्रकृति। यानी हम जब दो वस्तुओं का परस्पर रगड़ते हैं तो उन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम घर्षण विधि कहते हैं। यानी जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो उन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम घर्षण विधि कहते हैं। देखो घर्षण विधि के एग्जाम्पल की बात करें कि घर्षण विधि से आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो हम क्या करते हैं, एक बिल्ली की खाल लेते हैं। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल जिसे हम फर भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फर। यानी बिल्ली की खाल, यानी क्या लेते हैं? फर। और एक क्या लेते हैं हम? एवोनाइड्री छड़। एक लेते हैं एवोनाइड की छड़। एवोनाइड की छड़, या ऐसे बोलते हैं आबनूस की छड़। आबनूस की छड़, एवोनाइड क्या कहलाते हैं? आबनूस की छड़। यानी हमने बिल्ली की खाल ली और एक क्या ली? एवोनाइड की छड़। जब हम दोनों को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? बिल्ली की खाल से एवोनाइड की छड़ की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी जब बिल्ली की खाल तथा एवोनाइड की छड़ को रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से एवोनाइड की छड़ की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं यानी एवोनाइड की छड़ पर क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इस पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तथा बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन गए, इसलिए इस पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी जब हमने बिल्ली की खाल और एवोनाइड छड़ को रगड़ा तो एवोनाइड छड़ पर कैसा आवेश आ गया? धनावेश। और बिल्ली खाल पर कैसा आवेश आता है? धनावेश। तो देखो प्रकृति कैसी है? विपरीत। और उनका परिमाण कैसा होता है? समान। तो देखो इससे प्रभास यहां पर लिखते हैं कि जब बिल्ली की खाल को एवोनाइड या आबनूस की छड़ से रगड़ते हैं, जब बिल्ली की खाल को एवोनाइड की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एवोनाइड की छड़ की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण एवोनाइड की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा उतना ही धनावेश बिल्ली की खाल पर उत्पन्न होता है। एक एग्जाम्पल हो गया। अब यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्या करते हैं, एक हम क्या लेते हैं? ऊनी या रेशमी कपड़ा लेते हैं। ऊनी या रेशमी कपड़ा लेते हैं।
ऊनी या रेशमी कपड़ा, ऊनी या कहते रेशमी कपड़ा, तथा एक हम कांच की छड़ लेते हैं, एक क्या लेते हैं कांच की छड़। तो जब ऊनी या रेशमी कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊनी या रेशमी कपड़े को स्थानांतरित होते हैं। यहां पर कांच की छड़ से ऊनी या रेशमी कपड़े को क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण ऊनी या रेशमी कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण ऊनी या रेशमी कपड़े पर कैसा आ जाता है, ऋणावेश, तथा उतना ही धनावेश किस पर आ जाता है, कांच की छड़ पर आ जाता है। तो यहां भी देखा हमने कि ऊनी या रेशमी कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ा, यानी दो वस्तु रगड़ी, तो क्या हुआ, समान परमाणु का विपरीत प्रकृति का आवेश दो रूप में उत्पन्न हो गया। तो ये थी अपनी घर्षण विधि। देखो हमने फर्स्ट पढ़ी घर्षण विधि, अब सेकंड है विद्युत प्रेरण विधि। अब देखो विद्युत प्रेरण विधि में क्या होता है, कि विद्युत प्रेरण विधि क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, एक हम आवेशित छड़ लेते हैं, एक क्या लेते हैं, हम आवेशित छड़, आवेशित छड़, उसको क्या करते हैं, निरावेशित छड़ या गोले के पास लेकर जाते हैं, निरावेशित छड़ या गोले के पास लेकर जाते हैं, निरावेशित छड़ या गोला, ये क्या निरावेशित गोला है, यानी जब किसी आवेशित छड़ को निरावेशित छड़ या गोले के पास लेकर जाते हैं तो उसे बिना संपर्क किए, उसे बिना संपर्क कराए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न आता है, उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत प्रेरण विधि कहते हैं। यानी विद्युत प्रेरण विधि में क्या होता है, एक आवेशित छड़ लेते हैं और एक निरावेशित छड़ लेते हैं, और जब हम आवेशित छड़ को निरावेशित छड़ या गोले के पास लेकर जाते हैं तो उसे बिना संपर्क कराए, यानी उसको टच नहीं कराए, कराते हैं और उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण विधि कहते हैं। आप लोग इसका प्रयोग कैसे, कैसे विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं, तो इसके प्रयोग में तीन स्टेप है। देखो प्रयोग पढ़ते हैं इसका, तो उसमें तीन स्टेप कौन कौन सी है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या है कि सर्वप्रथम एक निरावेशित गोला लेते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक निरावेशित गोला लेते हैं जिसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, यानी क्या करते हैं, एक निरावेशित गोला लेते हैं, निरावेशित गोला, ये निरावेश हमने गोला ले लिया, ये हो गया निरावेशित गोला, इसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, इसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, सर्वप्रथम एक निरावेशित गोला लेते हैं जिसे किस पर रखते हैं, कुचालक स्टैंड पर, स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप पढ़ते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या है, कि जब किसी धनावेशित छड़ को, या कोई भी आवेशित छड़ ले सकते हैं, हम धनावेशित दे सकते हैं या ऋणावेशित दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, एक धनावेशित छड़ लेकर आते हैं, एक ऐसी छड़ होगी धनावेशित, यह कोई निरावेशित गोला है जो कि कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड, ये क्या है, निरावेशित गोला, निरावेशित गोला। तो देखो जब निरावेशित गोले के पास में हम एक धनावेशित छड़ लेकर आते हैं तो क्या होता है, इस गोले का धनावेशित छड़ के पास वाला सिरा ऋणावेशित हो जाता है, पास वाला सिरा कैसा हो जाता है, ऋणावेशित, तथा उसके विपरीत वाला सिरा धनावेशित हो जाता है, यानी आकर्षण बल के कारण इस चालक के ऋणावेश किधर आकर्षित होते हैं, धनावेशित छड़ की ओर, और धनावेश दूसरी साइड रह जाते हैं। यानी जब धनावेशित छड़ को हम निरावेशित छड़ के पास लेकर आते हैं तो धनावेशित छड़ के पास वाला सिरा ऋणावेशित तथा दूसरा सिरा कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इसके बाद में क्या करते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड है कि हमने अपने निरावेशित गोला लिया, पास में धनावेशित छड़ लेकर आए, धनावेशित छड़ लेकर आए, तो इसका धनावेशित छड़ के पास वाला सिरा निरावेशित हो गया और दूसरा सिरा कैसे हो गया, धनावेशित हो गया।
इसके बाद अगर इसके बराबर से पाप को भू संपर्क कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड यानी भू संपर्क कर देते हैं, तब क्या होता है इसका धनावेश कहां चला जाता है, पृथ्वी में, और ऋणावेश क्या होता है, शेष रह जाता है, यानी इस गोले पर कैसा आवेश बन जाता है, ऋणावेश, और धनावेश कहां चला जाता है, पृथ्वी में। देखो कैसे हमने धनावेश क्षण को क्या लेकर आए, इस निरावेश गोले के पास लेकर आए, तो इसका क्षण के पास वाला ऋणावेश हो गया, दूसरा कैसे हो गया, धनावेश। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इसके धनावेश बात को हम भू संपर्कित कर देते हैं, कि जब इसके धनावेश भाग को भूसंपर्कित करते हैं तो यह संपूर्ण धनावेश किसमें चला जाता है, पृथ्वी में। लेकिन यह ऋणावेश इस क्षण के आकर्षण बल के कारण परिबद्ध रहता है, यानी इससे बंधा रहता है, इसलिए यह जमीन या ग्राउंड में नहीं जा पाता है, इसलिए संपूर्ण गोले पर ऋणावेश बच जाता है। तो देखो हमने क्या किया, धनावेश क्षण को ले गया है और गोले पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेश, यानी कि विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया बिना संपर्क किए। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण विधि। देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे, दो क्वेश्चन बनते हैं कि क्या आप किसी निरावेशित गोले या छड़ को बिना स्पर्श किए ऋणावेशित या धनावेशित कर सकते हैं। तो देखो यदि ऋणावेशित कर सकते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं बिना संपर्क कराए, और यदि कहता धनावेशित किस प्रकार कर सकते हैं तो इस धनावेशित छड़ की जगह क्या लेकर आते हैं, ऋणावेशित छड़ लेकर आते हैं। तो क्या होता, एक तरह कहा जाता धनावेशित और दूसरे तरह कहा जाता ऋणावेशित, तब इसके ऋणावेश को आपको भूसंपर्कित कर देते तो कैसा आवेश बन जाता, धनावेश। ये थी हमारी विद्युत प्रेरण विधि। अब तक हमने दो विधि पढ़ी आवेश उत्पन्न करने की, नंबर एक घर्षण विधि, दूसरी पढ़ी हमने विद्युत प्रेरण विधि। अब थर्ड और लास्ट विधि है चालन संपर्क या स्पर्श विधि। हर विधि को उसे चालन विधि कहते हैं, उसे संपर्क विधि कहते हैं, या क्या कहते हैं, स्पर्श विधि। देखो इसमें नाम से लिखा है संपर्क या स्पर्श। संपर्क या स्पर्श का मतलब क्या होता है कि जब किसी आवेशित क्षण को निरावेशित क्षण से संपर्क कराते हैं, यानी जब किसी आवेशित क्षण को निरावेशित क्षण से क्या कराते हैं, संपर्क कराते हैं, तो उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालन संपर्क या स्पर्श विधि कहते हैं। यानी जब किसी हम आवेशित क्षण को किसी निरावेशित क्षण से संपर्क कराते हैं तो उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे हम चालन संपर्क या स्पर्श विधि कहते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि हम मान चलो ये धनावेशित क्षण है, कैसे क्षण है, धनावेशित, यदि धनावेशित क्षण को इस निरावेशित क्षण से संपर्क आते हैं तो क्या होता है, इस निरावेशित क्षण पर भी समान आवेश अर्थात धनावेश आ जाता है, यानी दोनों क्षण पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश, यानी इस पर भी धनावेश आ गया और इस पर भी कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। हमने कहा था कि जब किसी आवेशित क्षण को निरावेशित क्षण से संपर्क कराते हैं तो उस पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है, उसे हम चालन संपर्क या स्पर्श विधि कहते हैं। तो हमने धनावेशित क्षण ली, उसको निरावेशित क्षण से संपर्क कराया, तो हमने देखा कि उस निरावेशित क्षण पर भी धनावेश आ जाता है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल इसी जगह क्या करें कि यदि हम निरावेशित क्षण लेकर आए, यानी यदि हम निरावेशित क्षण को ऋणावेशित क्षण है, ऋणावेशित क्षण, उसको निरावेशित क्षण है, एक कौन सी क्षण होगी, निरावेशित, उससे संपर्क कराते हैं तो क्या होता है कि उस क्षण पर भी ऋणावेश आ जाता है, उस क्षण पर भी ऋणावेश आ जाता है, इस पर भी कैसा आवेश आ जाता है, ऋणावेश। तो हमने कहा था भाई कि जैसी क्षण है धनावेशित है ऋणावेशित है, उसको निरावेश क्षण से संपर्क कराते हैं तो उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, चालन संपर्क या स्पर्श विधि कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा आवेश उत्पन्न करने की विधि यानी आवेशन तथा विद्युतदर्शी।